अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए एच में एक्सपर्ट्स। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो 4.3 स्टार्ट कर रहे हैं, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा टाइप डिफरेंट आ रही है। तो 3x-11 और x+3x2+1, अब देखिए क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। अगर तो फैक्टराइज हो जाए फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अब ये फैक्टराइज नहीं हो सकती, इसलिए जब इसके हम लेट करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन में, ये तो लीनियर है तो ये a ओवर आ जाएगा, अगर क्वाड्रेटिक हो तो फिर bx+c या ax+b ओवर वो नंबर आएगा। तो एलसीएम, एलसीएम जो लेफ्ट पे वही एलसीएम आता है, बात को सारी पुराने वाली है, बाकी x+3 एंड x2+1 a के साथ आ जाएगा x2+1 और bx+c के साथ आ जाएगा x+3। इसको 1 का नाम दे देते हैं हम। उसके बाद 3x-11 ओवर x+3 एंड x2+1, ये सेम कट गए हैं। तो 3x-11 इज इक्वल टू a इंटू x2+1। तो bx भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और cx भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस bx इंटू x+3 प्लस c इंटू x+3। तो a के ओवर में लिखा हुआ x+3, इसको पुट करते हैं इक्वल 0 के, वहाँ से हमें x मिल जाएगा -3। इसको 2 का नाम देते हैं, इसको पुट करते हैं कोई नंबर 2। तो यहाँ पे x है 3 × -3 -11, यहाँ पे पुट किया a इंटू -3 इसका स्केयर प्लस 1, यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा 3 - 3 0, ये भी 0, प्लस 0 प्लस 0। तो -9 - 11 यह स्केयर इसका तो आ जाएगा 9+1, इसका आ जाएगा 10, इसका आ जाएगा 20, 20 इज इक्वल टू 10 a, कटिंग की तो a मिल गया हमें -2। अब जो बाकी वैल्यूज हैं वो मिलेंगे हम कंपैरिजन से, कंपेयरिंग कोफिशेंट ऑफ, अब रहते दो वैल्यूज, तो दो का करना पड़ेगा कंपेरिजन। तो पहले हम बात करते हैं, देखो राइट हैंड पे पावर मैक्सिमम 2 नज़र आ रही है मुझे, पहले हम बात करते हैं एक्स स्क्वेयर की, लेफ्ट हैंड पे एक्स स्क्वेयर नहीं है तो इसका लग जाएगा 0, इधर जब करेंगे मल्टीप्लाइस ए को तो आएगा ए एक्स स्क्वेयर, इसका लग जाएगा ए, इसे करेंगे मल्टीप्लाइस के साथ तो आ जाएगा बी एक्स स्क्वेयर, तो इसका लग जाएगा प्लस बी। तो ए की वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है -2 + b, तो बी यहाँ से मिल जाएगा हमें +2। उसके बाद बात करते हैं इससे पावर लीस्ट है एक्स, लेफ्ट हैंड पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 3 है, अगर हम देखें राइट हैंड पे तो इसका कोएफिशिएंट तो एक्स नहीं, जब ये बी एक्स इस 3 से होगा मटेरियल तो आएगा 3 bx, तो 3 b कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बनेगा। तो जब ये सी इससे होगा मटेरियल तो आ जाएगा cx, तो आ जाएगा c, तो 3 इज इक्वल टू 3 × b की वैल्यू 2 लिखी हुई है प्लस c, तो 6 बनेगा, लेफ्ट हैंड पे 6 आके माइनस, तो 3 - 6 इज इक्वल टू c, तो -3 इज इक्वल टू c। जो तीनों वैल्यूज ए बी सी की मिली हैं वो हम रिप्लेस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो 1 में ए की वैल्यू है -2 ओवर x+3 और बी की वैल्यू है 2x+ - c की है 3 ओवर x² + 1। तो यही हमारा आंसर है। तो 7th पार्ट x³ (1 ओवर x³+1), तो अभी ये फैक्टराइज हो सकता है, तो हम इस पे क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो क्यूब का फॉर्मूला a³ + b³ लिखा होता है a+b एंड a² - ab+b², तो यहाँ पे यूज़ करते हैं x+1 x² - x+1, तो लेट किया 1 ओवर x+1 एंड x² - x+1 इज इक्वल टू a ओवर x+1 प्लस bx+c ओवर x² - x+1। तो एलसीएम जो लेफ्ट वाला है वही एलसीएम आता है, तो कटिंग हो जानी एलसीएम की, आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, a × x² - x+1 प्लस bx × x+1 एंड c × x+1, मतलब ये वाला नंबर bx से भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और c से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब पुट करते हैं x+1 इज इक्वल टू 0, तो वहाँ से हमें x मिल जाएगा -1, लेफ्ट हैंड पे एक्स नहीं है, यहाँ पे सिंपल 1, तो -1 का स्केयर 0 + 1, तो -, मतलब a × -1² - −1 + 1, यहाँ पे पुट किया +1 - 1 0, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा +0 + 0,
तो वन इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस वन प्लस वन, तो इसका आ जाएगा वन इज इक्वल टू थ्री ए। यहाँ से हमें ए मिल जाएगा वन ओवर थ्री, यहाँ पे थ्री ए से मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड पे आके डिवाइड हो जाएगा, एक वैल्यू मिल गई है, बाकी मिल गई हमें कंपेरिजन से। तो कंपेयरिंग कोफिशेंट ऑफ, तो मैक्सिमम पावर स्केयर है उसका करते लेफ्ट हैंड पे नहीं है तो इसका जीरो, राइट पे जब करेंगे तो ए आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बी। तो ए की वैल्यू मेरे पास लिखी है मान वन ओवर थ्री, तो वन ओवर थ्री प्लस बी, यहाँ से बी मुझे मिल जाएगा माइनस वन ओवर थ्री। उसके बाद बात आनी है एक्स की, लेफ्ट हैंड पे एक्स नहीं है जीरो, जब हम करेंगे ना मल्टीप्लाई ए को तो आएगा माइनस ए एक्स, तो आ जाएगा माइनस सी, जब बी को करेंगे तो आ जाएगा बी एक्स, सी को करेंगे तो आ जाएगा सी एक्स, तो इसका सी लग गया। जीरो इज इक्वल टू ए की वैल्यू लिखी हुई है माइनस वन ओवर थ्री, बी की वैल्यू लिखी हुई है माइनस वन ओवर थ्री प्लस सी, तो माइनस वन माइनस वन माइनस टू, जब इसको आएंगे राइट हैंड पे लेफ्ट ले आएंगे तो आ जाएगा टू ओवर थ्री इज इक्वल टू सी। तीनों जो वैल्यूज हैं ए बी और सी की, इसको हम रिप्लेस करते हैं कोई ये नंबर वन में, तो ए लिखा हुआ है वन ओवर थ्री ओवर एक्स प्लस वन, प्लस बी की लिखी हुई है वैल्यू माइनस वन ओवर थ्री सात एक्स, और सी है टू ओवर थ्री ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो ये थ्री नीचे आ जाएगा सिंपल, वन ओवर थ्री इंटू एक्स प्लस वन। इसके एलसीएम करना पड़ेगा, एलसीएम में थ्री आ जाएगा क्योंकि नीचे सेम है, तो माइनस एक्स प्लस टू ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसका थ्री नीचे लेंगे हम, मतलब वन ओवर थ्री एक्स प्लस वन प्लस माइनस एक्स प्लस टू ओवर थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इस तरह यही हमारा आंसर होगा। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम इस तरीके से सॉल्व होने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 4.4 सॉल्व करेंगे। तो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, बेल आइकन को ऑन, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूँ तो आप तक बर्बाद पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।